नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की जन्म कुंडली में लगन का मालिक जिसे लग्नेश कहते हैं, जिस भाव में होता है उसकी वृद्धि होती है। प्रकृति भी वृद्धि में अपना योगदान पाती है, लेकिन जिस भाव का मालिक लगन में होता है भाई, उस भाव को संभालना पड़ता है, तब उस भाव की वृद्धि होती है। देखिए, लगन कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जीवन में जितने भी क्षेत्र हैं, हमारे धन का है, पैसा है, सेहत है, दुश्मन है, मित्र है, मान है, अपमान है, जितने भी क्षेत्र हैं, किसी ना किसी तरह इन सब का संबंध लगन से बनता है। और जिस भाव को लगन अधिक प्रभावित करता है, जातक को उस भाव से अधिक लाभ भी होता है। अगर शुभ स्थिति में हो तो अधिक हानि भी होती है। चलिए शुरू करते हैं कि प्रत्येक भाव में लगन जातक को, लग्नेश जातक को क्या फल देगा और प्रत्येक भाव का मालिक लगन में जातक को क्या फल देगा। देखिए, अगर लगन का मालिक लगन में ही हो तो इसमें तो एक ही पॉइंट आएगा, क्योंकि लगन का मालिक लगन में ही विराजमान हो गया, अपने घर में विराजमान हो गया, तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। पहला भाव जातक की हैसियत का होता है, सेल्फ का होता है, जातक की पर्सनैलिटी का होता है, तो इन सभी बातों में वृद्धि करेगा। जातक बुद्धिमान होगा, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। लेकिन एक बात है कि लगन का मालिक लगन में हो तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो कई बार जातक के जीवन में जीवन साथी के अलावा ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति प्रवेश कर जाता है और दोनों में अटैचमेंट अधिक हो जाती है। मगर लगन है, बदनामी से बचाएगा, जातक की बदनामी नहीं होने देगा। इसके अलावा लगन का मालिक लगन में हो तो भाई जातक पराक्रमी होता है और मन थोड़ा सा चंचल होता है, क्योंकि दिमाग, ब्रेन हम लगन से देखते हैं, जिस कारण कई बार जातक मूडी टाइप का हो जाता है कि दिल करे तो कार्य करना है, दिल ना करे तो कार्य नहीं करना। इसके अलावा खुद के शरीर का भाव है, जातक अपने शरीर की फिटनेस का पूरा ध्यान रखता है और सजने संवरने का शौक होता है। जितना जातक टिप टॉप रहेगा, जितनी अच्छी ड्रेसेस पहनेगा, उतना ही अच्छा जातक को लाभ होगा। भाई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चार शुभ ग्रह बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्र, अगर ये लगन में सब राशि के हों, यानी बृहस्पति धनु या मीन राशि का हो,
बुध मिथुन जा कन्या राशि का हो, शुक्र वृषभ जा तुला राशि का हो और चंद्रमा कर्क राशि का हो, और ये अकेले विराजमान हो लग्न में, किसी ग्रह के साथ जुति ना हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, तो जातक अपने स्वभाव के कारण थोड़ा सा अहंकार होता है, अहंकार के कारण जीवन में एक दो बार इस तरह के कार्य कर देगा कि उसको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, जिनकी कुंडली में लगन में सब राशि में ये चार ग्रह विराजमान हो। तो वही अब लगन का मालिक लगन में ही आ गया, तो अपने घर में ही आ गया, तो पहले भाव की तो बात खत्म हो गई। अब दूसरे भाव की चर्चा करेंगे कि लग्नेश दूसरे भाव में क्या फल देता है, और दूसरे भाव का मालिक अगर लगन में विराजमान हो तो जातक को क्या फल देता है। देखिए, जन्म कुंडली में जो दूसरा भाव होता है, धन का भी कहा गया है, वाणी का भी क्या कहा गया है, और इस घर को माता लक्ष्मी से भी रिलेट किया गया है, और माता सरस्वती से भी रिलेट किया गया है, तो लक्ष्मी जी का और सरस्वती जी का संबंध इस भाव से हो गया। लग्न का मालिक शुभ स्थिति में विराजमान हो तो धन के लिए भी अच्छा है और वाणी के लिए भी अच्छा है। जातक अपने जीवन में अच्छी आमदनी प्राप्त करने वाला होता है। पांचवें भाव से ये भाव दसवां बनता है, जो पांचवा भाव होता है ना, इससे ये भाव दसवां बनता है। तो भाई जातक अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीवन में लाभ अर्जित करता है। जातक की वाणी इस तरह की होती है कि दूसरे जातक की तरफ आकर्षित होते हैं। जातक दूसरों को हौसला देने वाला होता है और बड़े से बड़ी भीड़ हो, जातक स्टेज बहुत अच्छे ढंग से संभाल लेता है। यानी कि कितनी भी भीड़ हो किसी हॉल में, किसी कार्यक्रम में, स्टेज चालन का कार्य जातक बहुत अच्छे ढंग से कर लेगा। जातक को पता होगा कि किसको किस तरह नियंत्रण में रखना है अपनी वाणी से। तो इस तरह के जातक अच्छे एंकर होते हैं, जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उनकी कुंडली में भी देखा गया है कि लग्नेश दूसरे भाव में होता है। तो खानदान का है दूसरा भाव, कुटुंब का है, तो अपने खानदान का, कुटुंब का जातक पूरा ध्यान रखता है, और खानदान और कुटुंब के लोग भी जातक का भाई आदर करते हैं। दूसरा भाव, इसको भगवान श्री विष्णु का भाव कहा गया है। अगर कुंडली में किंग प्लेनेट सूर्य की स्थिति अच्छी हो, मित्र राशि में हो, सब राशि में हो, उच्च का हो, तो जातक का धर्म के प्रति लगाव होता है। बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु होते हैं उनकी कुंडलियों में भी लग्नेश दूसरे भाव में देखा गया है, और इनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं, चेले बहुत होते हैं। जातक की वाणी में इतना आकर्षण होता है कि जो जातक की वाणी सुन ले, अगर जातक धार्मिक गुरु हो तो वाणी सुनकर ही उसको भगवान मानने लग जाता है। तो भाई
सातवें भाव से आठवां है, ये जो दूसरा भाव है सातवें भाव से आठवां। इसलिए अगर अशुभ प्रभाव में आ गया फिर जातक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका चरित्र खराब होगा वो उसके बुरे समय की निशानी होगा। जब वो पर स्त्री या पर पुरुष के चक्कर में पड़ेगा तो ये समझ ले कि उसका खराब समय भाई अब शुरू हो गया। पैसों का भी नुकसान होगा, वाणी में भी कठोरता आएगी, समाज में इज्जत मान जश इसमें भी कमी आएगी। अगर लग्नेश दूसरे भाव में अस्त हो, कम अंशों का हो, बहुत अधिक अशुभ प्रभाव में हो तो जीवन में धन को लेकर उतार चढ़ाव भाई आएंगे। ये तो होगी बात अगर लग्नेश दूसरे भाव में हो। अब अगर दूसरे भाव का मालिक यानी धनेश लग्न में हो फिर क्या होगा? देखिए धन संचय करने के लिए जातक को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है सोच समझ कर इसका फैसला लेना पड़ेगा। जहां लापरवाही बरती वही नुकसान हो गया। खुद दुखी होकर भी खानदान के सदस्य कुटुंब के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे, उनके साथ मधुर वाणी का उपयोग करना पड़ेगा। और जब दूसरे भाव का मालिक लगन में आ जाए तो 45 साल की उम्र के बाद जातक का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाता है और जातक को खाने पीने का परहेज करना पड़ता है। जो लोग धर्म के क्षेत्र से जुड़े होते हैं उनका दूसरे भाव का मालिक पहले भाव में आ जाए या जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक कहलाते हैं तो भाई समाज में उनकी लेग पुलिंग होगी और लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। उनको समाज में अपनी इज्जत कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इसमें भी भाई प्रयत्न करने पड़ेंगे। ये तो हो गई दूसरे भाव की बात। अब आते हैं तीसरे भाव में। लग्न का मालिक अगर तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो पराक्रम का है, जश का है, साहस का है, मेहनत का है, ये सभी गुण जातक में होंगे और जातक अकेला चल सकेगा जीवन में, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी अगर लग्नेश शुभ स्थिति में हो। अपनी दलेरी, अपना साहस आवश्यकता पड़ने पर दिखाएगा जातक, नहीं तो शांत रहेगा, शांत स्वभाव होगा। जातक बुद्धिमान होगा और अपना जीवन खुशी से व्यतीत करेगा। उसका जो आत्मविश्वास होगा बहुत मजबूत होगा और जो भी नया कार्य शुरू करना हो, नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो बहुत उत्साह से करेगा। इसलिए शुभ हो लग्नेश तीसरे भाव में तो जातक अपने जीवन में निरंतर तरक्की प्राप्त करता जाता है। जो तीसरा भाव है भाई वो भाई और बहनों का है, तो शुभ स्थिति में लग्नेश हो तो भाई बहनों का सुख मिलता है जातक को। और जातक के जो छोटे भाई बहन होते हैं वो भी तरक्की करते हैं, समाज में उनका भी एक नाम होता है। पराक्रम के भाव में आ गया लग्नेश तो कामयाबी के पीछे जातक की निर्णय लेने की शक्ति होती है। जातक क्विक डिसीजन लेता है, कोई भी निर्णय लेता लेना हो तो भाई बहुत जल्दी लेता है। और एक बात और है, कोई बिजनेस करता हो जातक
व्यवसाय करता हो तो रिस्क ले लेता है, बड़े से बड़ा रिस्क ले लेता है, और जितना बड़ा रिस्क लेता है उतना बड़ा लाभ होता है। तीसरे भाव में लग्नेश जातक के मित्र और जातक के रिश्तेदार जातक की सफलता में जातक की सहायता करते हैं, रुकावट का कारण नहीं करते, सहायता करते हैं, क्योंकि जातक इस पोजीशन में होता है कि उनके मित्रों को और उनके रिश्तेदारों को जातक का बहुत सहारा होता है, इसलिए वो भी जातक की मदद करते हैं। अगर भाई कुंडली पर शुक्र पर मंगल का प्रभाव हो और शुभ ग्रह देख रहे हो तो जातक अपने बुरे चरित्र के कारण बहुत बड़े खतरे में फंस जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि लग्नेश तीसरे भाव में हो और किसी तरह से मंगल शुक्र का संबंध हो तो भाई अपनी इज्जत आपके अपने हाथ में है। अब आते हैं तीसरे भाव का मालिक लग्न में हो तो भाई समाज में आपको जश, अपना पराक्रम, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान कायम रखने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। आपका जो आत्मविश्वास है वो केवल आप पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरों का आपके प्रति कैसा व्यवहार है इस पर भी निर्भर करता है। जब परिस्थितियां खराब आती हैं, मान लीजिए किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो भाई आपके आत्मविश्वास में कमी आती है और मन को बहुत समझाना पड़ता है कि ये छोटी मोटी बातें तो जीवन में होती रहती हैं। इसके अलावा भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी जो कुछ खुशियां है उनका त्याग करना पड़ेगा। मित्र और रिश्तेदार उम्मीद के मुताबिक उनका जो व्यवहार है आपके प्रति इतना अच्छा नहीं रहेगा, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपने मित्र और रिश्तेदारों को कुछ देना पड़ेगा, फिर भाई वो आपको लाभ देंगे। तीसरे भाव की बात हो गई, अब चलते हैं चौथे भाव के ऊपर। देखिए लग्न का मालिक लग्नेश चौथे भाव में हो तो लग्न जो है केंद्र का भाव भी है, त्रिकोण का भाव भी है, और चौथा भाव केंद्र का भाव है तो एक राजयोग का निर्माण करता है अगर शुभ स्थिति में हो, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग की ज्योतिष में बहुत महिमा है। जातक को माता पिता का सुख, खासतौर पर माता का आशीर्वाद, माता का सुख विशेष रूप से प्राप्त होता है लग्नेश अगर शुभ स्थिति में हो। जातक का जो स्वभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है, हसमुख होता है। जो चौथा भाव है पब्लिक डीलिंग का भाव है कि लोगों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हैं और लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो लग्न का मालिक चौथे भाव में आ जाए तो लोग आपके गुणों के कारण आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, इसलिए आप राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप में गुण होता है कि कोई भी आपके पास किसी तरह का कार्य लेकर आ जाए आपने उसका काम करवा देना है। भौतिक सुख अच्छे मिलते हैं, जब से परिवार में जातक का जन्म हुआ
परिवार में खुशहाली बढ़ती है, सुख सुविधा के साधन बढ़ते हैं और जातक के पास भी अच्छी मात्रा में चल अचल संपत्ति होती है, वाहन का सुख भी उत्तम होता है उसके जीवन में। अगर शुभ स्थिति में हो तो माता से, भूमि से, क्योंकि भूमि भी भाई माता है, जातक को बहुत लाभ होता है। अगर भूमि का सेल परचेज का कार्य करे या फ्लैट वगैरह बनाकर आगे सेल करे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य कर ले, जो कंस्ट्रक्शन में सामान बढ़ता जाता है, सीमेंट हो गया, ईंटें होगी, इनका कार्य कर ले, इनमें जातक को सफलता हासिल होती है। अगर भाई लगन का मालिक चौथे भाव में अशुभ हो, नीच राशि में आ जाए, अशुभ प्रभावों में आ जाए, तो जातक का अपनी माता के साथ वैचारिक रूप से मतभेद रहते हैं और जमीन जायदाद के कोर्ट केस हो सकते हैं और वह अपने परिवार से सुखों में थोड़ी कमी महसूस करेगा। अब बात करते हैं कि चौथे भाव का मालिक अगर लगन में आ जाए तो है तो देवी केंद्र त्रिकोण योग, क्योंकि केंद्र का मालिक लगन में आ गया, लगन केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, मगर भाई घर जमीन जायदाद बनाने के लिए और आपकी जमीन जायदाद सेल ना हो, बिके ना, उसको बरकरार रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जीवन में कुछ समय गरीबी का सामना करना पड़ेगा। परिवार का सुख मिलता रहे इसलिए हमेशा यह कोशिश करें कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनको जितना धन आपके पास है पूरे का पूरा कभी किसी को नहीं देना, थोड़ा थोड़ा कर धन सबको देते रहें ताकि परिवार में आपकी इज्जत मान सम्मान बना रहे। आपकी परिवार में इज्जत आपकी इनपुट पर डिपेंड करेगी, आपके धन के इनपुट पर डिपेंड करेगी कि किसको आपसे कितना लाभ है, उतनी ही आपकी इज्जत होगी। माता के गुस्से, माता की नाराजगी से बचने के लिए माता से कोई बहसबाजी नहीं करनी, अपने मन को काबू में रखना है। अगर माता कोई पार्शियलिटी कर दे, किसी भाई बहन को अधिक दे दे, आपको कम दे दे, तो भी आपको भाई शांत रहना है, इसमें ही आपकी भलाई है। आगे चलते हैं। लगन का मालिक लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का होता है। पिछले जन्म में जातक ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, अगर शुभ स्थिति में पंचमेश हो तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत अच्छे कर्म है आपका। जे जन्म आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो बहुत अच्छा निकलेगा अगर लग्नेश शुभ स्थिति में हो, लेकिन अगर बुरे कर्म करोगे तो जो अच्छे कर्म है वो आपके कम होते जाएंगे। अगर इस जन्म में भी अच्छे कर्म करोगे तो आगे चलकर भी भाई आपको अच्छा जन्म ही प्राप्त होगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी। बुद्धि का भाव है, जातक बहुत बुद्धिमान होता है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला होता है और किसी वजह से पढ़ाई लिखाई ना करे तो भी अपनी बुद्धि के कारण जीवन में बहुत तरक्की करता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव में 5 अंक आता है यानी सी राशि बनती है, तो सूर्य इसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जातक थोड़ा अहंकारी होता है और कई बार
जातक अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। जब कोई जातक से तर्क वितर्क करता है, जातक की बात बीच में काटता है, तो जातक को गुस्सा आ जाता है। लगन का मालिक शुभ स्थिति में पंचम भाव में हो तो ऐसा देखा गया है कि जो धार्मिक ग्रंथ है, जिस ईश्वर को जातक मानता है, उसकी जो आरती वगैरह होती है, वो जातक को कंठस्थ होती है, यानी पूरी की पूरी याद होती है। पंचम भाव संतान का, तो जातक की संतान भी तरक्की करेगी, जातक को संतान से इज्जतमान भी मिलेगा, संतान भाग्यवान भी होगी अगर शुभ स्थिति में हो। अचानक धन लाभ का है पंचम भाव, तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जो भी हैं, बिजनेस में कोई बड़ा रिस्क ले लिया या कोई पैतृक संपत्ति मिली, उसकी कीमत एकदम बढ़ गई। अगर लग्नेश शुभ स्थिति में हो तो ये सब कार्य होते हैं। राजनीति में जातक अपनी बुद्धि के कारण बहुत सफलता प्राप्त करता है। तो भाई ये तो हो गया कि अगर लग्नेश पंचम भाव में हो, मगर अगर पंचमेश लगन में हो तो देखो, जब पंचमेश लगन में आ जाता है तो पूर्व जन्म के जो कर्म है वो इतना काम नहीं करते। इस जन्म के जो आप कर्म करोगे वो आपकी सफलता में अधिक भूमिका निभाएंगे। और एक बात और है, जीवन में आप जिसका बोध करोगे, सीधी सी बात है, उसी का ही बंदा करता है जो आपके बहुत नजदीक होगा, आपका बहुत प्रिय होगा। और बहुत कुछ करने के बाद जब उसके साथ थोड़ी सी भी कठोर वाणी में बात कर ली, उसको थोड़ा सा भी अहंकार दिखा दिया, उसकी कोई बात ना मानी, तो वह सब कुछ एक क्षण में भूल जाएगा। तो ये बात याद रखें, जब पंचम भाव का मालिक लगन में हो तो आसपास के लोगों का उतना ही करें जितना आवश्यक है, चाहे आपका कितना भी प्रिय हो, आवश्यकता से अधिक अपने सुखों को दांव पर लगाकर उसे सुखी करने की कोशिश ना करें। संतान से अच्छे संबंध बने रहे, इसके लिए भी आपको कूटनीति से चलना पड़ेगा। कई बार संतान से अनबन हो जाए तो उसको अधिक सीरियस नहीं लेना। राजनीति में हो तरक्की करोगे आप, लेकिन शर्त ये है कि आपके नजदीक कोई बंदा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी राज की बातें किसी को मालूम ना हो, पूरी तरह से सीक्रेट हो जाए। और अगर राजनीति में है तो ये बात मन में रखना कि दीवारों के भी भाई कान होते हैं। आगे चलते हैं, छठे भाव के ऊपर आते हैं। अगर छठे भाव में लग्नेश विराजमान, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश कितना मजबूत है। अगर मजबूत स्थिति में है, सब राशि का है, शुभ प्रभाव में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो भाई सभी फल अच्छे देगा, यानी कि जातक निरोगी रहेगा, कोई बड़ा रोग नहीं आएगा। अगर कोई रोग आ भी जाए तो जातक बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। ऋण का होता है छठा भाव, लोन का। शुभ स्थिति में लग्नेश हो तो जीवन में अधिक लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर लोन लेगा तो उसका जातक को बहुत फायदा होगा और
आसानी से ऋण जातक वापस कर देगा, यानी ऋण के कारण, लोन के कारण, किसी कर्जे के कारण जातक को कोई मानसिक चिंता नहीं होगी। शुभ और लग्नेश छठे भाव में तो दुश्मनों का नाश तो इस तरह से होता है कि जैसे जब सूर्य उगता है अंधेरे का नाश हो जाता है। छठा भाव है विघ्न बाधाओं का, अचानक आने वाली विघ्न बाधाओं का। अगर शुभ हो लग्नेश तो भाई कितनी बड़ी विघ्न बाधा आ जाए, ईश्वर जब प्रकृति इस तरह की परिस्थिति बना देंगे कि देखते ही देखते बहुत आसानी से जातक सभी विघ्न बाधाओं को अपने जीवन में पार कर लेगा और निरंतर तरक्की करता जाएगा। अगर भाई अशुभ स्थिति में हो तो जातक के प्रत्येक कार्य में कुछ ना कुछ विघ्न आएंगे। और अगर जातक नौकरी करता हो और लग्नेश अशुभ स्थिति में हो तो जातक नौकरी डर डर कर करेगा। लग्नेश भाई अशुभ स्थिति में हो तो नौकरी में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो दशम भाव का स्वामी जो ग्रह बनता है उसका दान कीजिए तो आपको लाभ होगा। अब आते हैं कि अगर छठे भाव का स्वामी लग्न में विराजमान हो तो रोगों से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई लापरवाही नहीं करनी। अगर लापरवाही की तो भाई स्वास्थ्य के संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं आपको। जानी आपको अपना स्वास्थ्य खुद संभालना पड़ेगा। इसके अलावा जीवन में शत्रुओं के सामना करने के लिए शत्रुओं के सामने दिखावा करना पड़ेगा कि मैं भी कोई हस्ती हूं। अगर आप शत्रुओं के सामने दब गए तो फिर आप सफलता नहीं हासिल कर पाओगे। इसके अलावा जीवन में विघ्न बाधाएं आएंगी जो आपकी पर्सनैलिटी, जो आपका व्यक्तित्व है उसे प्रभावित करेंगी। यानी अगर आप दुखी हो तो आपका जो दुख है आपके मुख पर झलकेगा और सामने वाले को मालूम हो जाएगा कि आप दुखी हैं। तो भाई विघ्न बाधाएं आए अपनी विल पावर के साथ कि मैंने ही इनसे बाहर निकलना है, बिना किसी के सहारे के पूरे आत्मविश्वास के साथ कोशिश कीजिए तो आप बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं पार कर जाओगे। अगर दिल छोड़ दिया तो भाई फिर प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। जब लग्न का मालिक यानी लग्नेश सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसा देखा गया है कि जातक मस्त मौला इंसान होता है, दूसरों की परवाह कम ही करता है, जो दिल में आता है वही कार्य करता है और थोड़ा सा इनकार भी होता है। तो अगर लग्नेश शुभ हो तो ये सभी बातें चलती रहती हैं, जातक को कोई नुकसान नहीं होता, मस्ती से जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन अगर लग्नेश अशुभ प्रभाव में हो, नीच राशि का, शत्रु राशि का, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो भाई जातक की अपने जीवन साथी के साथ अनबन रहती है। और एक और बात देखी गई है, अगर लग्नेश अशुभ हो तो सेक्स के मामले में संयम नहीं होता जातक में और कई बार दूसरी औरतों से संबंध बना लेता है, जिसके कारण गृहस्थ जीवन में परेशानी आती है और जातक की बदनामी भी होती है।
अगर लग्नेश शुभ हो तो आपको पार्टनरशिप में कार्य कर लेना चाहिए, यानी साझेदारी में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर लग्नेश शुभ हो तो जो रोजमर्रा का कार्य है, चाहे आप नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो खुशी खुशी अपने घर से जाएंगे और खुशी खुशी अपने घर वापिस आएंगे, यानी अपने काम से आप संतुष्ट होंगे। जो सातवां घर है, आठवें घर से बारहवें, जो सातवां भाव है ना, आठवें भाव से बारहवें, तो इसलिए इसको मार्क स्थान भी कहा गया है, क्योंकि उम्र का भाव है आठवां, इससे बारहवां हो गया उम्र में का नुकसान, तो मार्क भाव भी कहा गया है। अगर लग्नेश अशुभ हो तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। और एक बात और देखी गई है कि जातक अपने स्वास्थ्य के कारण अपने गृहस्थ जीवन से दुख उठाता है, यानी गृहस्थ जीवन का उसे पूर्ण सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता अगर लग्नेश अशुभ हो। अब भाई बात करते हैं, अगर सप्तमेश लग्न में आ जाए तो जो आपका जीवन साथी है उसके साथ आपको अधिक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर पुरुष है तो पत्नी के साथ, अगर स्त्री है तो पति के साथ उसकी अधिक बातें माननी पड़ेगी, यानी ग्रस्त जीवन को बचाना पड़ेगा। और ग्रस्त जीवन को बचाने के लिए अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक बात और, आसपास के लोग, आपकी जो निजी जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, उसको खराब करने की कोशिश करेंगे, तो भाई इनसे भी आपको निपटना पड़ेगा। कूटनीति के साथ निपटे, शांत मन से निपटे, गुस्सा नहीं करना। साझेदारी में अगर कार्य है तो जो आपका पार्टनर है कुछ ना कुछ इधर उधर करेगा, तो अगर साझेदारी में काम करना है तो आंखों के सामने थोड़ा बहुत नुकसान देखकर आंखें बंद करनी पड़ेगी, यानी कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। लीगल मैटर्स जितने भी हैं सभी रिटर्न में करने हैं आपने, चाहे कोई गुस्सा करे या खुश हो, अपने पार्टनर के साथ या आसपास के लोगों के साथ। कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो तो भाई वो भी रिटर्न में लिखना है, नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लगन में सप्तमेश अगर लगन में विराजमान हो जाता है तो जातक कोई सामान खरीद लेता है और बाद में पता चलता है कि ये तो चोरी का सामान था, जिसके कारण जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव पर आते हैं, लगन का मालिक भाई लग्नेश अष्टम भाव में हो। अष्टम भाव बहुत ही विचित्र भाव है, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है, और कलयुग में जो सबसे अधिक शुभ भाव हम कह सकते हैं, सबसे अधिक भौतिक सुख देने वाला भाव कह सकते हैं, वो अष्टम भाव है। जब लग्न का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जिन बातों की डूंघाई में जाना पड़ता हो, जैसे रिसर्च वर्क हो गया, अनुसंधान का क्षेत्र हो गया, जो प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, इस तरह की फील्ड में जातक बहुत कामयाब होता है। अगर लग्नेश अष्टम भाव में हो तो आम जिंदगी में भी जातक में जासूसी के गुण होते हैं, दूसरों का चेहरा देखकर ही पहचान लेता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है,
और अपने आसपास पूरी नजर रखता है। और एक बात और देखी है कि शुभ स्थिति में हो लग्नेश तो जातक अपने आप में एक हीरा होता है, बहुत विद्वान होता है, हर क्षेत्र की नॉलेज होती है, समाज में अच्छी प्रसिद्धि होती है। अगर धार्मिक क्षेत्र में हो तो धार्मिक क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। और जातक के बहुत फॉलोअर्स होते हैं, बहुत चेले होते हैं। जो आठवां भाव है वो बीमारियों का भी है, खास तौर पर ऐसी बीमारियां जो लंबी चले या जिनका इलाज बहुत मुश्किल से होता हो। तो भाई अगर लग्नेश अशुभ प्रभाव में हो तो जातक को गंभीर बीमारियां लगने का खतरा बना रहता है। जो अष्टम भाव होता है अचानक लाभ का भाव है, अचानक धन लाभ, वसीयत से लाभ, पैतृक संपत्ति से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, किसी के मृत्यु के बाद लाभ। तो अगर लग्नेश शुभ होकर पड़ा हो तो जातक को उसके जीवन में अचानक ही शानदार रूप से लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर अशुभ हो तो भाई जातक को इन सब चीजों से लाभ तो होगा, अचानक लाभ, लेकिन कोई कोर्ट केस हो सकता है, विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, यानी मानसिक शांति भंग होने के बाद जातक को लाभ होगा। सप्तम भाव से दूसरा भाव बनता है अष्टम भाव। तो भाई सप्तम भाव जीवन साथी का और इससे दूसरा भाव हो गया जीवन साथी की वाणी का और जीवन साथी के धन का। अगर शुभ स्थिति में हो तो जीवन साथी की वाणी भी अच्छी होगी, या तो वो नौकरी करती होगी या बिजनेस करती होगी या किसी अमीर घर की होगी या होगा, तो जीवन साथी से जातक को लाभ होगा। मृत्यु का भाव कह लो, उम्र का भाव कह लो, भाई एक ही बात है। अगर लग्नेश शुभ स्थिति में मजबूत होकर अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो जातक का जो मृत्यु का समय होता है वो अच्छा होता है, बहुत पीसफुल ढंग से जातक की मृत्यु होती है, जातक की गति भी अच्छी होती है, उसका अगला जन्म भी अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि अगर अष्टमेश लगन में विराजमान हो जाए तो भाई एक बात का ध्यान रखना, जिन जातकों की कुंडली में अष्टमेश लगन में विराजमान है, अगर आपके परिवार में कोई जेनेटिकली रोग है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे खानदान में बहुत लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कैंसर की बीमारी है, या हृदय की बीमारी है, मतलब कि अपनी फैमिली हिस्ट्री देखनी है, तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी बहुत अधिक हो तो भाई आपको उस बीमारी का खास तौर पर ध्यान रखना है और बचपन से ही इस तरह के कार्य करने हैं, इस तरह की सावधानी बरतनी है कि आप उस बीमारी से बच सको। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह करें, प्राणायाम वगैरह करें, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है, शरीर में बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो अच्छी हो, गुप्त विद्याओं के चक्कर में ना पड़े, धागे तवीजों के चक्कर में ना पड़े, अवारा साधु जो होते हैं उनके चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर अष्टमेश लगन में होता है, कई बार जातक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी गुप्त विद्या का प्रयोग कर लेता है तो भाई उसका ही नुकसान हो जाता है,
तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है, शुरू से ही आपको इस राजनीति पर चलना है कि आपके परिवार में जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी मृत्यु के बाद जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें आपको पूरा हक मिल सके। कैसे करना है, क्या करना है, वसीयत करवानी है, ये जैसे हालात है घर के उसके ऊपर भाई डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, नवम भाव पर आते हैं। अगर लग्नेश नवम भाव में विराजमान हो, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, अगर शुभ स्थिति में हो तो भाग्य के कारण जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। जिसका भाग्य अच्छा भाई उसका सब कुछ अच्छा। जातक धार्मिक और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने वाला होता है और जातक की संतान भी भाग्यवान होती है, जातक संतान से संतुष्ट भी रहता है। इसके अलावा जातक की पत्नी सुशील होती है, बुद्धिमान होती है, बुरे वक्त में जातक का साथ देती है। अगर शुभ प्रभाव में हो लग्नेश। इसके अलावा जातक जो भी आप कार्य करता हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, अपने कार्य में पूरा दक्ष होता है, पूरा टैलेंटेड होता है और जो भी उसका कार्य क्षेत्र होता है उसमें जातक का नाम होता है, यानी उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी लोग होते हैं सभी जातक का आदर सम्मान करते हैं। जातक धनवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, जीवन के सभी सुख मिलते हैं, जीवन में लंबी यात्राओं से लाभ होता है, विदेश की धरती पर सेट होना चाहे तो वहां भी जातक अच्छी कमाई करता है, विदेश की राजनीति में भी सफलता हासिल करता है अगर लग्नेश शुभ स्थिति में हो। अगर भाई नवम भाव में लग्नेश अशुभ हो जाए तो जातक के कार्य तो सफल हो जाएंगे लेकिन विघ्न बाधाएं आने के बाद जब जातक का मन टूट जाएगा उसके बाद जातक के कार्य सफल होंगे। अब आते हैं कि अगर नवम भाव का मालिक लगन में हो तो भाई जिनका नवम भाव का मालिक लगन में हो भाग्य के सहारे कभी ना बैठे, कर्म योगी बने। आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं, आपको अपना भाग्य खुद लिखना पड़ेगा। किसी के सहारे कोई कार्य शुरू ना करें, ये सोचकर कोई कार्य शुरू ना करें कि कोई दूसरा मेरी मदद करेगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपके आसपास के लोग हैं उन पर आपको पूरी नजर रखनी पड़ेगी, उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी, तब आप अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होंगे। इसके अलावा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो आपका ज्ञान है अपडेटेड होना चाहिए, यानी आपको समय के हिसाब से अपने आप को बदलना है। ये नहीं कि जो पुराने समय से कार्य चला रहा है उसी तरह से कार्य नहीं करना, मॉडर्न ढंग से कार्य करना है तो आप तरक्की करोगे। इसके अलावा धर्म का जो मामला है कि आप किस भगवान की पूजा करते हो, किस ईश्वर को मानते हो, कौन से व्रत वगैरह रखते हो, कौन सी पाठ पूजा करते हो, इस बातों को टॉप सीक्रेट रखना है। अगर भाई इन बातों को टॉप सीक्रेट नहीं रखा तो आसपास के लोग आपको धर्म के नाम पर मजाक का पात्र बनाएंगे।
अगर आपको विदेश में जाना है, विदेश में सेट होना चाहते हैं, तो जहां जाना है जाने से पहले उस स्थान के बारे में पूरी नॉलेज हासिल कर लें कि कैसा वातावरण है, क्या काम है, जो मेरे में स्किल है, जो मुझे काम आता है, क्या मैं वहां जाकर कामयाब हो सकूंगा, नहीं हो सकूंगा, इन पूरी बातों की भाई आप नॉलेज हासिल कर लें। आगे चलते हैं दसम भाव पर। लग्नेश दसम भाव पर विराजमान हो, सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव है दसम भाव, और जन्म कुंडली में दसम भाव की बहुत महिमा है। शुभ हो लग्नेश। तो जो भी जातक का पेशा है उसमें इस तरह की शक्तियां होगी जिसका सरकार के साथ सीधा संबंध हो। लग्नेश शुभ हो, जा तो जातक किसी अच्छे सरकारी ओहदे पर होगा, जा राजनीति में किसी अच्छे पद पर होगा, जा जातक का व्यवसाय इस तरह का होगा कि सरकारी कामों से सीधा संबंध पड़ता हो, यानी कि सरकारी धन जातक को प्राप्त होगा, सरकारी शक्तियां प्राप्त होगी अगर लग्नेश शुभ हो। और एक बात और देखी गई है कि गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, लग्नेश दसम भाव में बहुत शुभ स्थिति में है, वो किसे बड़े राजनीतिक बंदे के साथ जुड़े होते हैं और बड़े से बड़ा काम सरकार का खुद का भी करवा लेते हैं और अपने आसपास के लोगों का भी भाई कार्य सिद्ध करवा देते हैं। यानी सरकारी शक्तियों के लिए, इज्जत मान के लिए, हुकूमत के लिए पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया तो कार्य हो गया, किसी का कोई काम नहीं होता, कोई अफसर जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो किसी से फोन करवा दिया, जातक का कार्य हो गया। लग्नेश दसम भाव में शुभ हो तो इस तरह जातक का जीवन बहुत अच्छे ढंग से चलता है। इसके अलावा अगर दशमेश भी अच्छा हो तो एमपी, एमएलए, मिनिस्टर इतनी ऊंची पोजीशन पर जातक पहुंच सकता है, बोर्ड का चेयरमैन हो गया, कॉरपोरेशन का चेयरमैन हो गया। इन सब की कुंडलियों में लग्नेश दसम भाव में देखा गया है और दशमेश मजबूत देखा गया है। इसके अलावा जातक को अपने पिता से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति की प्राप्त होती है, पिता के आशीर्वाद से जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। अगर भाई लग्नेश दसम भाव में अशुभ स्थिति में हो तो जातक जीवन में सफलता तो हासिल करेगा लेकिन विघ्न बाधाएं बहुत आएंगी। यानी वो कहते हैं ना कि दुखी होने के बाद सफलता मिलेगी, बहुत प्रयास करने के बाद जातक को सफलता मिलेगी। अब भाई आते हैं कि अगर दशमेश पहले भाव यानी लग्न में विराजमान हो तो आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो जहां से भाई आपकी रोजी रोटी चलती है उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी, उसे हमेशा प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी बेस पर रखना है। ये नहीं कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, 3-4 इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है आने वाले दिनों में और आपकी पत्नी कह रही है कि बाहर घूमने जाना है, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो भाई आपने बाहर घूमने नहीं जाना, पहले अपने काम की तरफ ध्यान देना,
नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है लॉन्ग रन में। इसके अलावा जीवन में आपका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, लगातार मेहनत करते रहे, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, मेहनत करनी ना छोड़े, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा एक्शन मोड में रहना है, जैसे आर्मी वाले हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं, इसी तरह अपने कार्य क्षेत्र में ना दिन देखना है ना रात देखनी है, मेहनत करनी है आपको। होशियारी, छल, कपट, चालाकी आपको अपने कार्य क्षेत्र में करनी पड़ेगी, लेकिन चुपचाप करें। अगर ढोल पीटोगे तो भाई इसका उल्टा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं या राजनीति में हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कूटनीति का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपकी लेग पुलिंग बहुत होगी। आपकी तरक्की चाहने वाले कम होंगे, उन्नति चाहने वाले कम होंगे, आपसे जलने वाले अधिक होंगे। इसके अलावा पिता से कोई भी मतभेद ना रखें, चाहे पिता कैसी भी वाणी की बरसों करे आपके साथ, लेकिन आपको शांत रहना है। नहीं तो भाई अगर पिता से मतभेद हो गए तो इसका जो लाभ है वो दूसरे लोग ले लेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर लगन का मालिक 11वें भाव में हो, लग्नेश आमदनी के भाव में हो, लाभ के भाव में हो, तो भाई अगर मजबूत हो तो जीवन में जातक को अच्छी आमदनी होती रहती है। जातक का जो भी आमदनी का क्षेत्र होगा उसमें जो भी प्लानिंग करेगा, जो भी व्यूहबंदी करेगा, उसमें जातक को सफलता मिलेगी, समाज में प्रसिद्धि मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी कामयाबी मिलेगी, कोई बदनामी नहीं होगी अगर शुभ स्थिति में हो, और समाज में जातक की अपनी अलग ही छाप होगी। इसके अलावा मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा और आवश्यकता के समय जातक के मित्र जातक का साथ देंगे। अधिकतर लग्नेश 11वें भाव में आमदनी के भाव में शुभ फल देता ही देखा गया है, मगर अधिकतर लग्नों में ये देखा गया है कि जो लग्न का मालिक होता है और 11वें भाव का मालिक होता है वो आपस में मित्र नहीं होते। इसलिए जब लग्नेश 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो भाई जातक को सभी सुख मिलेंगे, किसी बात की कमी नहीं होगी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं जातक का मन दुखी रहेगा। तो अगर 11वें भाव का मालिक लगन में हो तो भाई जो आपके मित्र होंगे, जो आपका सोशल सर्कल होगा, उनको आपसे बहुत उम्मीदें होंगी और आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। अगर आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे तो समाज में आपका मान सम्मान कम होगा, आमदनी में भी कमी आएगी। इसलिए आपकी मजबूरी होगी कि जो आपका सोशल सर्कल है उनका साथ देना, ना चाहते हुए भी आपको उन लोगों का साथ देना पड़ेगा जिनसे आपको काम पड़ता हो। तो भाई जो आपकी आमदनी है वो लगातार बढ़ती रहे, जस्ट स्टेबल रहे, कोई कमी ना आए, इसके लिए जीवन भर मेहनत भी करनी पड़ेगी
और कूटनीति का सहारा भी लेना पड़ेगा। जानी मेहनत की दिशा और दशा दोनों सही होने चाहिए तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। अगर आप किसी बिजनेस में हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं, आसपास के दुकानदार कह लीजिए, या कोई इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, जो दूसरे लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपसे कंपटीशन बहुत करेंगे, आपको गिराने की बहुत कोशिश करेंगे, तो आपको वहां नई नई योजनाएं बनानी पड़ेंगी ताकि आप मार्केट में जो आपका स्थान बना हुआ है उसे बरकरार रख सके, उसे कायम रख सके। आखिरी भाव बचा है भाई, बारहवां भाव, उस पर भी चर्चा कि अगर लग्नेश बारहवें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक सोच समझकर खर्च करने वाला होगा। अगर लग्नेश शुभ हो तो लोगों की भलाई के लिए जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, धर्मशाला वगैरह होगी, जो बुजुर्ग है, ओल्ड एज होम है, उनके ऊपर जातक अच्छा खर्च करेगा, यानी अच्छे कर्म करेगा। इसके अलावा जीवन में शैया सुख, सेक्स सुख की अच्छी प्राप्ति होगी। मजबूत हो लगने इस बार में भाव में विराजमान हो तो विदेश की धरती से भी जातक को लाभ होगा, जातक तो खुद विदेश में सेट हो जाएगा, जब बच्चे सेट हो जाएंगे बाहर से धन भेजेंगे, या जातक का कार्य इस तरह का होगा कि उसके क्लाइंट्स फोरन के होंगे और उसको फोरन के धन की प्राप्ति होगी। शुभ लग्नेश तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, जातक थोड़ा सा भी प्रयास करे, ईश्वर की तरफ जाए तो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर भाई लग्नेश अशुभ होकर पड़ा हो तो जातक का स्वभाव झगड़ालु होगा और बिना मतलब के कोर्ट कचहरी में केस हो जाएंगे, जिनके ऊपर धन भी खर्च होगा और रिश्वत वगैरह भी देनी पड़ेगी। इसके अलावा दिमाग पर थोड़ा वजन रहेगा, जिसके कारण आंखें भारी रहेंगी, जिसका मुख्य कारण होगा कि जातक प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा, साउंड स्लीप नहीं ले पाएगा, इसके कारण उसको सिर दर्द, आंखों के दर्द का सामना करना पड़ेगा। तो भाई जब नींद आने में प्रॉब्लम हो तो आप जीवन को सीरियस लेना छोड़ दे, यानी केयर फ्री हो जाए कि ये तो मृत्यु लोग है, चार दिन के लिए जहाँ आए हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो भी ठीक है, लॉस हो रहा है तो भी भाई अच्छा। अगर भाई बारहवें भाव का मालिक लगन में विराजमान हो जाए तो जो भी खर्चा, पैसों का खर्च हो गया, शारीरिक खर्च हो गया, यानी मेहनत या सेक्स, इसमें संयम रखना, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जितनी आप में क्षमता है उतनी मेहनत करनी है, ये नहीं पैसा कमाने के लिए शरीर के साथ आज धक्का करो और कल आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए फिर डॉक्टर्स को पैसा आप दोगे, ऐसा कार्य नहीं करना, सेक्स में संयम बरतना। इसके अलावा आपकी गति अच्छी हो सके तो परिवार वाले कितना भी विरोध करें, जब 50-55 साल की उम्र हो जाए आपकी तो अपना जो दिमाग है अच्छे कार्य की ओर लगाएं, बीमारों की सेवा में लगाएं, बीमार पशु है या कोई मनुष्य है उसका इलाज करवा दें, किसी गरीब बंदे की मृत्यु होगी उसके परिवार को सहारा दें,
परिवार के सदस्य कितना भी विरोध करें, गुप्त रूप से कर लें अगर परिवार में कलेश होता है, लेकिन करें अवश्य तो आपकी गति अच्छी होगी, मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा। नहीं तो भाई मृत्यु के समय थोड़ा कष्ट अधिक हो सकता है। विदेश में अगर सेट होना चाहते हैं तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। थोड़ा संघर्ष करने के बाद आपको विदेश में सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा किसी से वाद विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अगर कोई तर्क वितर्क कर रहा हो तो हाथ जोड़ दो कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि लगन का मालिक सभी भावों में क्या फल देता है और सभी भावों का मालिक लगन में क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।